है कोरोनरी ब्लॉकेजेस, यानी कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज में कैल्शियम का डिपॉजिट होना। और इस तरह के कैल्शियम वाले ब्लॉकेजेस के लिए पहले हमारे पास में लिमिटेड ऑप्शन थे, जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी जिसको बाईपास सर्जरी कहते हैं, और रोटाब्लेशन जिसको हम हाथ की या पैर की नस के द्वारा एंजियोप्लास्टी की जो टेक्निक है उस जाते हैं और उससे बरिंग करके कैल्शियम को साफ करके फिर स्टेंट डालते थे। अब जो लेटेस्ट एडवांसमेंट जो हुआ है लास्ट वन ईयर के अंदर, वो है IVL यानी इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी और शॉकवेव थेरेपी। शॉकवेव थेरेपी में हम क्या करते हैं, इसमें जो हार्ट की जो एंजियोप्लास्टी की जो हमारी विधि है, टेक्निक है, उसी टेक्निक में जो हम नॉर्मल सिंपल बलून लेके जाते हैं उसकी जगह हम शॉकवेव बलून डॉक्टर्स के पास में लेके जाते हैं। और वो जो शॉकवेव बलून है उसके अंदर एमिटर्स होते हैं जो कि सोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो जो प्रोड्यूस होती हैं वो जो है नस के अंदर जो कैल्शियम जमा हुआ है उसको ब्रेक करती है। और ये जो कैल्शियम जो ब्रेक करती है ये सुपरफिशियल कैल्शियम जो हम बोलते हैं नस के अंदर की जो अंदर की जमावट है उसी को ही ब्रेक नहीं करती, बल्कि वो नस के अंदर जो डीप कैल्शियम है, जो मीडियल कैल्सिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, ये उसको भी ब्रेक करती है। और जो कैल्शियम जो पूरा एक सोनिक वेव्स के द्वारा जो ब्रेक होता है उसके बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेंट डिप्लॉयमेंट, वो स्टेंट का जो डिप्लॉयमेंट है, स्टेंट का जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस थेरेपी से शॉकवेव थेरेपी या इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी थेरेपी के द्वारा जो नस के अंदर के कैल्शियम को ब्रेक करने के बाद में हम जो नॉर्मल जो एंजियोप्लास्टी का जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो स्टेंट डिप्लॉयमेंट होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और जितना अच्छा स्टेंट डिप्लॉयमेंट होता है उतना ही अच्छा लॉन्ग टर्म आउटकम भी होता है, यानी कि लंबे समय तक स्टेंट पेटेंट रहेगा, रीब्लॉक की संभावना बहुत कम होगी। और ये एक न्यू डेवलपमेंट है, न्यू एडवांसमेंट है, और इसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को बेनिफिट दे रहे हैं हमारे एटल हॉस्पिटल के अंदर। थैंक यू।